हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं चंबल स्टार। मैं सामने एक और न्यूज लेके आ गया हूँ। ये न्यूज सलमान खान की आने वाली फिल्म किक टू के बारे में। और इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2 दिन पहले हुई थी, यानी कि परसों। परसों जैकलिन फर्नांडिस का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के मौके पर इस फिल्म के मेकर्स ने किक टू का एक पोस्टर भी रिलीज किया और साथ में इस फिल्म के बारे में बताया कि ये फिल्म 2022 में आने वाली है। हालांकि अभी इसकी रिलीज डेट नहीं बताई है कि 2022 में कितनी तारीख को ये फिल्म रिलीज हो सकती है। 2022 में ये फिल्म आएगी, इतना कंफर्म कर दिया है मेकर्स ने। साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और अहमद खान इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे मेरे हिसाब से। और सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस की जोड़ी एक बार फिर देखने को मिलेगी किक टू के अंदर। और किक फिल्म के अंदर भी जैकलिन फर्नांडिस के अपोजिट काम कर रहे थे सलमान खान। तो इस फिल्म का ट्रेलर आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिल जाएगा। अभी तो इस फिल्म के ट्रेलर को कोई जानकारी नहीं आई कि कब तक आएगा, लेकिन इस साल तो ट्रेलर नहीं आएगा। अगले साल मिड या लास्ट में आ सकता है, 2021 के बीच या लास्ट में। तो आप वो पोस्टर देख लीजिए, सलमान खान की टीम ने इसको रिवील कर दिया है। इसी के साथ सलमान खान बिग बॉस 14 भी लेके आ रहे हैं, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े कलाकार हो सकते हैं। टीवी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों का नाम सामने आ रहा है कि ये लोग हो सकते हैं इसके अंदर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।